Hello students, good morning, how are you all? And once again, we are going to conduct online classes. अभी आपकी छुट्टियाँ चल रही थी, आपने कुछ पढ़ाई की, okay? And before holidays, we are studying lesson 10, okay? The Rosy Princess and the Yellow Elf. In third B, I have completed this chapter. But I think in third A, it was going on, okay? Yeh chal raha tha. So, this time, I think this chapter is completed, but exercises are still pending. So, today, we will do exercises of this lesson. The Rosy Princess and the Yellow Elf. Aap, word meaning, I think, aap isse likh chuke honge copy mein. अगर नहीं लिखा है जिन बच्चों ने वो इस वर्ड मीनिंग को आप लिख के इसे याद कर लेंगे ओके और ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है इस लेसन का लेसन 10 का अगर आपने नहीं किया है तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा फर्स्ट आपका है एलो लुक्ड लाइक एलो किस प्रकार से दिखता था आपका ऑप्शन बी है अ बीम ऑफ सनशाइन आई थिंक एलिजाबेथ मैम ने आपको इसे कराया होगा सेकेंड है द रोजी प्रिंसेस हैड आपका इसमें भी इसमें सी है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज सी वैनिश्ड फ्रॉम द स्काई वैनिश मीन्स अदृश्य गायब होना तो रोजी प्रिंसेस आसमान से अदृश्य हो गई थी गायब हो गई थी थर्ड वन एज द डार्कनेस ग्रू एलो बिकेम जैसे ही अंधेरा जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया जो एलो एल्फ था वो होता गया क्या स्पार्क ऑफ लाइट स्पार्क मीन्स चिंगारी होती है ठीक है जैसे आपको जुगनू दिखाई देता है रात में ऐसे ही एलो जबकि वो पूरा एलो था ब्राइट एलो लेकिन उस अंधेरे में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया एलो एक चिंगारी की तरह ठीक है प्रकाश की एक मतलब चिंगारी की तरह वो दिखाई दे रहा था फोर्थ वन व्हेन एलो फाउंड द रोजी प्रिंसेस जब एलो को रोजी प्रिंसेस मिल गई ही उसने क्या किया ही वॉन्टेड टू टेक हर होम कुड नॉट सी हर इन द डार्क एंड कुड नॉट सी हर इन द लाइट लाइट तो थी नहीं अंधेरा था चारों तरफ उसे मिल तो गई थी बट ही कुड नॉट सी हर इन द डार्क लेकिन वो उसे अंधेरे में देख नहीं सकता था ओके फोर्थ वन एलो एंड द प्रिंसेस वर मैरिड एलो और प्रिंसेस की शादी हुई कहाँ अंडर अ रेनबो आर्क सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आप इसे लिख लीजिएगा एंड नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज हम लोग इसे करेंगे एक्सरसाइज बी आंसर विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ओके आप क्वेश्चंस देखिए फर्स्ट वन ही इज ऑलवेज विजिंग अराउंड चारों ओर विजिंग मीन्स क्या है बहुत ही तेजी से यहाँ वहाँ मूव करना ठीक है तो ही इज ऑलवेज विजिंग अराउंड वो चारों ओर यहाँ वहाँ कभी यहां कभी वहां करता रहता था कौन हु सेड दीज वर्ड्स ये बात किसने कही ही इज ऑलवेज विजिंग अराउंड ये चारों ओर इधर उधर करता रहता है ये बात किसने कही एंड व्हाट डिड ही डू व्हाइल विजिंग अराउंड और जब वो यहां वहां करता है तो उस वक्त उस दौरान वो क्या करता है नाउ यू कैन सी हियर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं नाउ यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप डेट डाल के इस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे ठीक है लेसन 10 रोजी प्रिंसेस और क्वेश्चंस आप देख लीजिए इसका आंसर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स ये बात किसने कही तो आप आंसर लिखेंगे आई थिंक इट इज क्लियर आप क्लियर होगा आपको एलो एल्फ मदर सेड दीज वर्ड्स आपको यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है एलो एल्फ्स मदर सेड दीज वर्ड्स किसने कहा एलो एल्फ की माँ ने ये बात कही ठीक क्वेश्चन नंबर टू व्हाट डिड ही डू व्हाइल बिजिंग अराउंड और वो जब यहां वहां कर रहा था तो उस दौरान उसने क्या किया आपका आंसर है ही स्प्लैश्ड हिज कलर एवरीवेयर उसने हर तरफ चारों ओर अपने रंगों को क्या किया स्प्लैश किया बिखेरा चारों तरफ उसने अपने रंगों को बिखेरा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आपको क्या करना है थर्ड ए स्टूडेंट्स बी वाले लगभग ये कर चुके हैं तो ए स्टूडेंट जिन्होंने नहीं लिखा इसे आप ये क्वेश्चन आंसर ये लिख लेंगे इसके अलावा
आप एक्सरसाइज में एक्सरसाइज ए कर लेंगे, साथ ही वर्ड मीनिंग लिख करके इसे लर्न कर लेंगे। इट्स योर होमवर्क, ये आज का आपका काम है। एंड टुमारो आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।